वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ किक रेसेस खेलने वाले हैं, तो जल्दी से हम यहां पर रेस स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो हमें गाड़ी मिलने वाली है, ये जो गाड़ी आपने देखी थी यही गाड़ी हमें मिलने वाली है। किक रेस में ऐसा होता है कि वो कोई भी रैंडमली हमें कोई भी कार दे देते हैं और उसी कार के साथ हमें जो है वो रेस करनी होती है। यहाँ पर तीन लैप होने वाले हैं, तो हमें सबसे आगे रहना होगा। ओ शिट, मुझे यहाँ पर टक्कर तो मार दी थी लेकिन फिर भी ये मुझे पीछे नहीं कर पाया। यहाँ पर इस टाइम मैं दूसरे नंबर पर हूँ और पहले नंबर पर वो जो जा रहा है वो थोड़ा तेज है, लेकिन मैंने अभी उसे ओवरटेक करके फर्स्ट नंबर पर आ गया हूँ। ये जो है छोटे बच्चे हैं, ये मेरे से इतनी आसानी से आगे नहीं हो सकते। यहाँ पर एक ज़बरदस्त जंप लग गया है, यहाँ पर मैं साइड से निकाल लेता हूँ इसके। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से मेरे इस वक्त वो जो कारें थी दोनों मेरे से बहुत ही दूर हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी मैंने मारी थी लेकिन फिर भी यहाँ पर चक्कर हो गया, जिसकी वजह से वो जो गाड़ी है वो बिल्कुल मेरे पास हो जाइए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को भगाना होगा। अभी मुझे कोई भी गलती नहीं करनी, नहीं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ जो है मेरे लिए बिल्कुल पास हैं। यहाँ से फिर से एक छोटी सी जाम लगी है और यहाँ पर जो फर्स्ट लैब है वो ख़त्म होने को है। ये फर्स्ट लैब जो है वो ख़त्म हो गया, अभी भी दो लैब जो हैं वो रहते हैं। तो जल्दी से हम अपनी गाड़ी को यहाँ से भगाते हैं। यहाँ पर फिर से मैं उनसे आगे हो गया हूँ। इस वक्त मैं फर्स्ट नंबर पर जा रहा हूँ और यहाँ पर हम तीन ही प्लेयर हैं, दो जो हैं वो पीछे रह गए हैं मेरे से बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा भी नहीं है, पहले ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जो मेरी टक्कर हुई थी ना उसकी वजह से ये मेरे पास पहुँच गए हैं। इस बार मैंने फिर से वही मोड़ आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने गलती नहीं करनी, बिल्कुल आराम से मोड़ने वाला हूँ। लेकिन आराम से मोड़ूंगा तभी वही बात होगी। तो यहाँ पर मैंने इस वक्त शिट, मैंने टर्न तो ठीक लिया था लेकिन फिर भी टक्कर हो गई है। ये जो मोड़ है ये है ही ऐसा, इसमें टक्कर होनी ज़रूरी है, मतलब ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है इसमें टक्कर हो जाती है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला बंदा है वो बहुत ही पीछे रह गया, लेकिन एक जो है वो बिल्कुल मेरे पास है, मेरे साथ साथ ही अगर थोड़ा सा ही पीछे, मैंने कोई भी गलती की तो वो मेरे से आगे हो सकता है। यहाँ पर दूसरा लैब भी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर तीसरा लैब स्टार्ट हो गया। बस मैंने अपनी फर्स्ट पोजिशन जो है वो बरकरार रखी है और फिर जो फर्स्ट पोजिशन है वो मेरी हो जाएगी। इससे पहले मुझे ठीक से खेलना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और वो जो दूसरे नंबर पर मेरे पीछे गाड़ी आ रही है उसको थोड़ा मैंने पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि वो आगे कोई वाला जो है मोड़ है तो उसने वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल मेरे से आगे देगी। आप टैक्सी कहाँ से आ गई थी बीच में, उसके साथ मेरी टक्कर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त वो गाड़ियाँ दोनों मेरे से पीछे हो गई हैं। तो यहाँ पर फिर से वो मोड़ आ गया, अगर मैं इसको इस साइड से लूँ तो परफेक्ट। थोड़ी सी गाड़ी स्लो हुई है लेकिन फिर भी मैंने टर्न ठीक ले लिया है, बाहर की तरफ से मोड़ कर मैंने लिया, तो बिल्कुल आराम से जो है मैंने टर्न ले लिया। यहाँ पर इस वक्त मैं फंस गई हूँ और ये लैब भी ख़त्म होने को है, बस थोड़ा सा आगे रास्ता रह गया, थोड़ा सा रह गया। यहाँ से छोटा सा जंप और सीधा मैं फर्स्ट पे हूँ अभी, तो ये सामने रही फिनिशिंग लाइन, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ फर्स्ट। ये रहा, तो एक रेस और खेल लेते हैं। इस बार ये वाली जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारा अपोनेंट है वो सिर्फ एक ओवर है,
यहाँ पर महाराज जी जो अपडेट है वो सिर्फ एक ही है। अब देखते हैं कि हम दोनों से पहुँच चुके हैं यहाँ पर जो है लैब वगैरह नहीं हो रही, यहाँ पर कंप्लीट करनी है हमें रेस जो कि 0% है और हमें 100% कंप्लीट करनी है। और ये रेस कंप्लीट करने में जो सबसे आगे हुआ वो जीत जाएगा। और यहाँ पर मैं कहाँ पर रास्ते की कुछ मुझे समझ नहीं आई और मैं पता नहीं कहाँ से घुस गया था और वो गाड़ी जो है मेरे से आगे हो गई है। जिससे 100% पहले कंप्लीट कर ली वो होगा विनर और वो गाड़ी मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है। मुझे अपनी गाड़ी को भगाना होगा नहीं तो ये वाली रेस में हार ना जाऊंगी। यहाँ से उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी वैसे हमारी भी ठीक ही है लेकिन मेरे से जैसे गलती हो गई थी, मैं गलत आ गया था जिसकी वजह से जो है मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे हो गई है। यहाँ पर यही टाइम है इससे आगे होने का लेकिन वो भी सही गाड़ी चला रहे, उसकी गाड़ी भी कुछ स्लो नहीं है बिल्कुल ठीक तरीके से चला रहे। लेकिन मैं उसके काफ़ी पास पहुँच आया हूँ, अभी यहाँ से इससे आगे हो जाता हूँ लेकिन नहीं वो भी ठीक तरीके से गाड़ी चला रहे। चलो कोई तो मुझे टक्कर का मिला है, पहले तो जितने को भी मैंने हराया वो मैं वैसे ही गाड़ी चलाते हैं उनको मैं आराम से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने टक्कर मार दी है, यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट नंबर पर आ गया हूँ और ये जो रेस है ये 51% कम्प्लीट हो गई है। बस 100 कम्प्लीट होने तक मुझे मैं फर्स्ट पोजिशन पर रहने और जो फर्स्ट पोजिशन पर रहा 100 कम्प्लीट कर दी जिससे पहले वही होगा रेस का फिर। यहाँ पर इस वक्त मैं काफ़ी उससे आगे आ गया हूँ, यहाँ पर फिर से मेरे से गलती होने वाली थी, दूसरी साइड से जाने वाला था लेकिन अगर मैंने देख लिया है। यहाँ पर ये पता नहीं मैंने बीच में क्या लगा रखा है। यहाँ पर इस वक्त उसकी गाड़ी जो है मेरे से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई है। यहाँ पर 84% 85% जो है वो रेस कम्प्लीट हो गई है। तो शुरू में तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी लेकिन अभी वो बहुत ही पीछे हो गया। मैं समझ रहा था कि ये ठीक है ये कुछ टक्कर दे सकते हैं मुझे लेकिन यहाँ पर फिनिशिंग लाइन आ गई है और यहाँ पर फिर से मैं जो फास्ट आ गया हूँ। सो यहाँ पर कुछ रेसेस हम और खेल लेते हैं। यहाँ पर इस बार हमें ये गाड़ी मिलने वाली है तो यहाँ पर हमारे अपोनेंट होने वाले हैं वो तीन हैं और साथ ही साथ यहाँ पर दो लैप होने वाले हैं इस रेस में। दो गाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसे मेरी और हमारी गाड़ी तकरीबन एक जैसी है, दो जो हैं और यहाँ पर वाइट वाला कुछ ज़्यादा तेज लगा रहा गाड़ी तेज कैसे जा रही है। इस तीसरे नंबर पर कैसे हूँ मेरे से आगे कोई है नहीं है लेकिन फिर भी मैं तीसरे यहाँ पर इस वक्त मैं फर्स्ट आ गया हूँ। यहाँ पर दो लैप होने वाले हैं और यहाँ पर अपोनेंट जो है वो बड़े आराम से कम्प्लीट करना होगा। ओह शिट अभी मैं सीधा जाने वाला था, शुक्र है मैंने यहाँ पर मेरा सारा काम खराब कर दिया और वो गाड़ी बिल्कुल बहुत तेज़ी से मेरे से आगे हो गई है। तो उसने बहुत तेज़ की हुई अपनी गाड़ी, हाँ मेरे सामने ये शॉर्ट कट और इस गाड़ी ने शॉर्ट कट मार के दो गाड़ी ने शॉर्ट कट मार के वो आगे हो गई है। ये देखना और शिट मेरे रास्ते में ये सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, शॉर्ट कट का मुझे पता ही नहीं था और वो शॉर्ट कट मार जाके साइड से हो गया। यहाँ पर बिल्कुल मैं फोर्थ पोजीशन पर हूँ, यहाँ पर एक को मैंने ओवरटेक कर दिया और मैं सेकंड पोजीशन पर आ गया हूँ। यहाँ पर एक और को मैंने ओवरटेक कर दिया और यहाँ पर फिर से मैंने सेकंड पोजीशन पर मोड़ी नहीं, अभी मैं फर्स्ट पोजीशन पर आ गया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो शॉर्ट कट पता नहीं कौन सा था, शॉर्ट कट का मुझे पता नहीं है। चलो मैं इसी रास्ते से आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं आगे ये ना शॉर्ट कट के चक्कर में
परफेक्ट तरीके से जो है यहाँ पर टर्न कर दिए गाड़ी को, यहाँ से मैं गाड़ी को लेफ्ट टर्न कर देता हूँ। वो दोनों गाड़ियाँ फिर से जो है शॉर्टकट मार रही है, पता नहीं ये शॉर्टकट मुझे नहीं नज़र आया यहाँ पर इसे शॉर्टकट मारा, लेकिन हमसे आगे ये फिर भी नहीं हो सका क्योंकि हमारी तो अपनी बात है। तो यहाँ पर जो है फिनिशिंग लाइन आ गई और यहाँ से फिर से मैं पास आ गया। ये जो है बच्चे हैं ये मेरे से आगे हो ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।